हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुंदर मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपने सी पैनल से वर्डप्रेस को यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे डिस्प्ले में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ लाइक भी करें, और जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ वगैरह मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप सी पैनल में अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, ब्लॉग वगैरह, तो आपको यहाँ पर एक डोमेन की ज़रूरत होती है, साथ साथ होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको इसे ख़रीदना कहाँ से है, तो वैसे तो आपको बहुत सारी साइट मिल जाती हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो आप जैसे गोडैडीज़ वगैरह इस साइड की बड़ी साइट है, वहाँ से ले सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इस तरह की गोडैडीज़ की साइट वगैरह मिल जाएगी, और वहाँ से आप अपना डोमेन, और यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ, और यहाँ पर पेज रीलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज अभी खुल गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर इस गोडैडी से जाके आप यहाँ पर आप कोई भी डोमेन चाहें, जिस तरह का आपको हर तरह से भी डोमेन अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ से आप वेब होस्टिंग भी आप यहीं से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने अपने लिए यहाँ से ही परचेज़ किया है, वैसे तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए, तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अपने दिखा देता हूँ जो मैंने ले रखा है, यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट आज स्लो चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो उसके लिए जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, तो यहाँ पर इस तरह से आप अब यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग ख़रीद लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर पेज खुल गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर डोमेन ले रखा है, आपको डोमेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो डोमेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, और साथ में यहाँ होस्टिंग वगैरह है वो ले रखी है। तो जब आप ये कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज पे जाकर यहाँ पर आपको सी पैनल जो यहाँ पर है सेटिंग करनी पड़ेगी, और आपको सी पैनल में जाने के बाद यहाँ से आपको अपना जो सी पैनल में है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मैं इससे आगे से आपको बता रहा हूँ, बाकी का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सी पैनल में आ जाएंगे, मैंने सेटिंग में जाने के बाद होस्टिंग में, तो उसके बाद आप जब यहाँ पर सी पैनल आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप मेन सी पैनल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन मिल जाते हैं। तो इन फंक्शन का यूज यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप जब सी पैनल की सेटिंग के बारे में आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो पहले मैं उसके लिए बता देता हूँ। फिर भी मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो भी डाटा रहता है यहाँ पर फाइल मैनेजर में रहता है, तो जैसे कि आप यहाँ से ही अपने बैकअप वगैरह या आपका जो भी थीम्स है कुछ भी कम्प्लीटली, तो यहाँ पर ही आप उसको रख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आपका जो डाटा है, तो वो आप फाइल मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं अब वर्डप्रेस पे। तो आप जैसे ही, तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको नीचे जाकर थोड़ा सा, और तो यहाँ पर आप जो वेब एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर वेब एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का ऐप दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर कोई अदर देखेंगे, तो यहाँ पर दो तरह के स्टेप रहते हैं। यहाँ पर आप दो तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनुअल और आप यहाँ से एप्लीकेशन के द्वारा। तो मैं आपको मैनुअल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और आप डायरेक्टली यहाँ से कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये भी आप जैसे ही वर्डप्रेस आप मैनुअल चलाएंगे, और ये भी दोनों स्टैंडर्ड होते हैं और दोनों सेम ही वर्क करते हैं। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है,
और क्लिक करने के बाद ही ये कुछ सेकंड बाद यहाँ पर खुल जाएगा। और खुलते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सी पैनल का यहाँ पर होम इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह और कुछ डाटा फिल करना होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई थी, उनको आप ध्यान में रखिएगा। डोमेन होस्टिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब ही जाके आप यहाँ पर सी पैनल प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप वर्डप्रेस सी पैनल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमेन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो इसमें आपको अपने जो वेबसाइट है, तो यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर HTTPS है, तो आपको यहाँ पर HTTPS ये जो दिखाई दे रहा है, आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो HTTP और HTTPS, अगर आपने HTTPS अगर आपने SSL ले रखा है, तो यहाँ पर जो ऑफिस, तो आप यहाँ पर HTTPS यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली इसी को सिलेक्ट रखिएगा। तो आप जैसा हो, जैसा मैंने बताया, उसको उस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। और सेकंड ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट ऑप्शन, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको थोड़े नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर वर्जन वगैरह है, इस सेटिंग को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे और आना है, और उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर में आपको यहाँ पर यूजर नेम भी देना है, तो आप जो देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ अपना, तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ नाम डाल दिया, तो आप ये अपने यहाँ पर साइट का नाम वगैरह या कुछ भी यहाँ पर जैसे जो चाहें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में जाकर यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड देना है, वो आपको पासवर्ड यहाँ से दे देंगे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल वगैरह आपका है कोई, तो आप यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हैं। तो जो भी आपका ईमेल हो यहाँ पर दे दें। उस वेबसाइट का टाइटल डालना है, वो भी आप यहाँ से जो टाइटल रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं, कि वही आपके वेबसाइट पर यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपका वेबसाइट टैगलाइन वगैरह है, आप जो भी टैगलाइन आपकी हो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्निकली योर। तो आप इस तरह से यहाँ पर कोई टैगलाइन जो है वो देख सकते हैं वेबसाइट की। और उसके बाद बाकी की सेटिंग को आपको ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे आ जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, उससे पहले आप एक बार अपनी जो आपने यहाँ पर फिल किया है उसको एक बार वेरीफाई कर लें, ताकि आपका डाटा कोई छूटे ना। और इस तरह से आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, और उसके बाद आपको सीधे नीचे ऑप्शन पे आ जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन बताया, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताने चक्कर में यू कर दिया। तो आपको यहाँ पर HTTP ही सिलेक्ट करना है, अगर आपने यहाँ पर अभी SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया है। और उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम नीचे यहाँ प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये फ्यू टाइम लेता है यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए। और आप जो पासवर्ड वगैरह हैं यहाँ से सेव चाहें सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। और आप यहाँ डिस्प्ले पे देखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरह से 28, 29 इस तरह से जो काम चल रहा है यहाँ पर, ये 100% तक जाएगा। और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह से यहाँ कुछ व्यू दिखाई देगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और उसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद तो फ्रेंड जैसे ही आपका यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही आपका यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर सी पैनल में जाना है।
सी पैनल में जाने के लिए आपको सी पैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आप सी पैनल के होम पेज में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी फाइल कहाँ पर रहती हैं, तो आपको सी पैनल में ही ये सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। तो जैसे आप सी पैनल पर यहाँ पर आएंगे और ये फाइल मैनेजर में ही आपको जाना है, तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर में यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो फाइल मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से जो उसकी फाइलें हैं वह यहाँ पर खुल जाएंगी। और फाइल खुलने के बाद यहाँ पर आप जहाँ पर आप आपके जो वर्डप्रेस का डाटा रहेगा वो यहाँ पर पूरी तरह से आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जैसे ही आपका आप सी पैनल में जाकर फाइल मैनेजर में ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है पब्लिक HTML। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पब्लिक HTML का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको डबल की जब क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका वर्डप्रेस का डाटा है यहीं पर आ गया है। तो जो आपकी जो थीम्स वगैरह हैं अभी जब यहाँ पर वर्डप्रेस की रहेगी थीम्स वगैरह या प्लगइन्स वगैरह रहेंगे तो वो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखेंगे जैसे थीम का ऑप्शन और प्लगइन का ऑप्शन, और यहाँ सारा जो कि क्या है, जो अगर आप थीम्स वगैरह लेते हैं प्लगइन्स वगैरह यहाँ पर जो डाटा रहता है जो आपका यहाँ वर्डप्रेस में जो आप सेटिंग नहीं कर पाते तो वो यहाँ पर आप सी पैनल में आकर उसको डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वर्डप्रेस पर चलते हैं, तो उसमें जाकर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको अपने सी पैनल में वापस जाना है और इस पर सी पैनल पर क्लिक कर देना है। सी पैनल में वापस जाकर आपको फिर से वर्डप्रेस में जाना है और जो कुछ सेटिंग्स रह गई है हम उसे पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। और उसके लिए आपको यहाँ पर वर्डप्रेस आपका कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो कुछ सेटिंग्स की भी ज़रूरत होती है, तो वही आपका डाटा कब कहाँ रहता है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको फिर से वहीं उसी जगह पर आ जाना है जहाँ पर आपका वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल के लिए गए थे। तो जो एक इंस्टॉल हमने वर्डप्रेस किया था तो वो एप्लीकेशन अलग थी, और जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके नाम जो आपकी जो साइट वगैरह है उसके नाम से आएगी। तो यहाँ पर वर्डप्रेस आप दिखाई दे रहा है, या तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दें तब आप वहाँ पर जा पाएंगे, नहीं तो जो आपकी यूजर नेम रखा है वो यूजर नेम डाल देना है और यहाँ तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप कर देना है, और यहाँ पर रिमेंबर मी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं आप, ताकि आपका पासवर्ड सेव रहे, और लॉगिन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, कभी कभी दिक्कत हो जाती है पासवर्ड डालने में, तो आप पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से आपका जो इंटरफेस रहेगा, और यहाँ पर आपको जो फाइनली सेटिंग करनी है, तो यहाँ अपडेट पासवर्ड मांग रहा है तो अपडेट पासवर्ड, तो वहाँ पर आप जो ऑलरेडी पहले सेट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको जो लास्ट सेटिंग है यहाँ पर वो कर देनी है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट विजेट पर क्लिक करना है, और स्टार्ट विजेट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट ओपन फ्रेंड यहाँ पर खुल चुका है, तो आपको यहाँ पर आपको डिटेल दी है, जैसे कि यहाँ पर टाइप ब्लॉग्स या आपकी वेबसाइट वगैरह, या ब्लॉग ओनली या ऑनलाइन स्टोरी, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वेबसाइट ब्लॉग्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जिससे रिलेटिव आपका अपना जो साइट वगैरह बना रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन, और उसके बाद बाकी की कुछ सेटिंग्स हैं हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो टाइटल है हमारा आ गया, और यहाँ पर जो मैंने टैगलाइन वहाँ पर दी थी वो भी यहाँ पर इसने ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट वगैरह में अपने डिटेल वगैरह चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो थीम वगैरह होती है वो उसे सिलेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर आपका थीम वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स खुल जाएंगी, आपको जिस तरह की थीम्स पसंद है आप जिससे रिलेटिव अपने यहाँ पर आपको कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पर जो बनाने के लिए आपको एक थीम की ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
तो कुश्ती में यहाँ पर इस तरह की है जिसे आप पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपको और यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके थीम वगैरह है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इसको फुली एडिट कर सकते हैं, चाहे यहाँ का टाइटल हो या कुछ भी, आप यहाँ पर फुटर हेडर वगैरह में जो भी यहाँ पर रहते हैं टाइप्स वगैरह पेज सारा कुछ आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। फ्रेंड जब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे थीम वगैरह, तो आप यहाँ पर आप जो कस्टम सेटिंग वगैरह है वहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम सेटिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया है और यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पे चलता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पर कस्टम सेटिंग वगैरह क्या होती हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाना है। देखेंगे कि हम यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पूरा आपका सेटअप रहता है वो यहीं पर रहता है, जहाँ यहीं से आप अपनी पोस्ट वगैरह, यहीं से पेज, यहीं से आप प्लगइन्स वगैरह या जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं आप यहीं से करते हैं, और आप जो आपकी वेबसाइट वगैरह है यहाँ से ही उसको कस्टम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत होती है जो आपको चाहिए होते हैं, तो जिसके माध्यम से आप यहाँ कर सकते हैं। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ अभी, उसके लिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर भी आपको यहाँ पर जो कस्टम वगैरह करने के लिए, अगर आपको जाना है थीम वगैरह चेंज करने के लिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बताऊँगा कि आप थीम मैनुअली कैसे सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अगले बात करेंगे। तो फ्रेंड आप पूरी तरह से यहाँ पर आप वर्डप्रेस को यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं, चाहे वह पोस्ट हो या पेजेस हो या उसकी प्लगइन्स वगैरह हो या कोई भी जो भी सेटिंग्स है, आप यहीं से उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप यहाँ से पोस्ट वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, पेजेस वगैरह आप किस तरह से बना सकते हैं, और प्लगइन्स वगैरह का आप यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर जो मेन था उसके लिए मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया कि आप वर्डप्रेस यहाँ पर सीपीएनएम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको बेसिक सेटिंग वगैरह के लिए नॉर्मली मैंने यहाँ पर बता ही दिया है जहाँ से आप पोस्ट वगैरह इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर इसके वर्डप्रेस की पूरी डिटेल के बारे में बताऊँगा, आप यहाँ से किस तरह से पोस्ट वगैरह जो भी ये सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।